नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान एक्सप्रेस में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर हमारे जो अमरूद है उसके अंदर अगर फंगस लग जाता है, वो गलना शुरू हो जाता है उसकी टहनियाँ, और उसका फ्रूट जो गलना शुरू हो जाता है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, तो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों पीछे हमने एक अमरूद के पूरे सेशन चलाया था, अमरूद के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई थी अमरूद के कीड़े के ऊपर। तो उसमें हमारे एक दर्शक हैं प्रतीक राठी जी, तो उनका एक कमेंट आया था कि सर जो अमरूद का जो उनका पौधा है उसकी जो टहनियाँ गलनी शुरू हो गई। उन्होंने हमारे पास जो कुछ फ़ोटो थे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उन्होंने हमारे पास मेल किए थे। तो दोस्तों अगर बात की जाए इस प्रकार की समस्या की, तो ये समस्या एक आम समस्या है। मौसम बदलने के साथ साथ या ज़्यादा नमी के कारण या ज़्यादा बरसात के समय में इस प्रकार की समस्या हो जाती है। इससे क्या होता है कि पहले हमारी जो अमरूद की टहनियाँ है या जो हमारा अमरूद का फ्रूट है वो पहले गलकर काला हो जाता है, उसके बाद वो सूख जाता है। अगर ये बीमारी समय रहती इसका हमें निजात नहीं किया तो ये पूरे पौधे में बड़ी अति शीघ्रता से फैलती है, और उसके बाद जो हमारा अमरूद का पौधा है वो पूरा का पूरा सूख जाता है। इसलिए समय रहते हमें इस प्रकार की जो बीमारी है उसका निदान करना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए जो हमने बहुत से प्रयोग किए हैं और उसके बाद जो सटीक रिजल्ट निकल कर सामने आए हैं वो ये है कि इस बीमारी के निदान के लिए अगर आपके पौधे के किसी भी टहनी के अंदर अगर फंगस लग गया है, आपकी टहनियाँ गल गई है या फिर गलने के बाद सूख गई है, आपका पूरा पौधा सूख चुका है या जो फ्रूट है वो गलना शुरू हो गया है, तो आपको क्या करना है, आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये टाटा का बलिटॉक्स के नाम से है मेरे पास, तो आपको COC बोलते हैं इसको, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के 2 पाउच लेने हैं। 6 ग्राम का एक पाउच आता है, 35 से 40 रुपये मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। इसका आपको प्रयोग करना है और इसको इस पूरे मिश्रण को 200 लीटर पानी में मिलाकर और आपको स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के लगभग 3 दिन के पश्चात आपको आपके पौधे के अंदर आपके बाग के अंदर एक अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। और इस प्रकार कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के प्रयोग से आपके जो अमरूद के बाग के अंदर जो फंगस की समस्या है, जो टहनियाँ गलने की समस्या है या जो टहनियाँ सूखने की समस्या है वो 100% तक ठीक हो जाएगी। प्लस इसके स्प्रे के पश्चात जो आपका फ्रूट तैयार होगा उसके अंदर एक विशेष प्रकार की चमक मिलेगी, जिससे आपको बाज़ार में उसके अच्छे भाव मिलेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपने अमरूद के बाग में, अमरूद के पौधों में फंगस से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों आने वाली वीडियो में आपको खेतीबाड़ी से संबंधित, गार्डनिंग से संबंधित और पशुपालन से संबंधित नई नई जानकारी देते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।